आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, खबर सबसे पहले। कल शाम में संतोष तिवारी हैं, ये हमारे पास पुलिस के पास आए 8:30 पे। इन्होंने बताया कि जिनका लड़का सक्षम है 8 साल का, वो घर के बाहर करीबन दिन में खेल रहा था 12 बजे के बाद, और उसके बाद से वो मिला नहीं। और 4 बजे इनको फ़ोन आया कि 8 लाख पैसे दे दीजिए तभी आपको लड़का मिलेगा। तो बेसिकली किडनैपिंग का एक मामला सामने आया, उस पर तुरंत हमने टीम्स बनाई, तुरंत कार्रवाई शुरू करी, और इसमें काफ़ी तुरंत और काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। और लड़के को हमने 3 घंटे में हमने लड़का को रिकवर कर लिया है, और 3 लोग साथ में अरेस्ट हुए हैं। गुलजार जो कि दुधारी सहीदरा का रहने वाला है, रोशन और उसका पिता सतेंद्र जो कि फेसुड़ा के रहने वाले हैं, इन तीनों ने ये प्लान किया था कि इस लड़के को उठा के और यहाँ से रिकवर करेंगे। इस बीच में रोशन और सतेंद्र के घर पे लड़का रह रहा था, और गुलजार हम लगातार क्या कहते हैं गुलजार के टच में रह के गुलजार फिरौती की मांग कर रहा था। इसे लगातार 2-3 जगह पे बुलाया, अलग अलग जगह पे बुला के पैसे वे मांग रहा था, लगातार ये निगरानी भी कर रहा था। जो ये साथ में इसका फादर है जो संतोष राय, जो पैसे देने आ रहा था, तो उसको करीबन 1-1.5 घंटा उसने वॉच किया है, उसकी ट्रैकिंग पे वॉच किया है। जब वो ये कर रहा था तो हमने साइड बाय साइड उस पर वॉच रखा, कैसे क्या कितने वो कार्रवाई कर रहा है, और बहुत एक अच्छा ऑपरेशन हुआ है और लड़का सकुशल हमने बरामद किया। कितनी फिरौती की मांग की गई थी? 8 लाख रुपए इसमें फिरौती की मांग करी थी, और ये इसको आइडिया था कि क्या कहते हैं ये पैसे देना इसके लिए संभव है, मगर जो इसकी माली हालत थी, करंट माली हालत में उसके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए उसने ये पुलिस की तुरंत उसने मदद ली और उसको मदद मिली। सर टीम को कुछ पुरस्कार भी? टीम को मेरे से 15,000 रुपये का पुरस्कार था।